आइए अब आपको यहाँ पर यह बताते हैं कि लव जेहाद पर कहां कहां कानून है और कहां कहां इस पर नकेल कसने के लिए या इस तरह के जो मामले हैं वो रोकने के लिए वो पूरी जो तैयारी है, जो एक्शन है वो देखा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, इसके अलावा अगर हम बात करें झारखंड की, ये मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि देश भर में कहां कहां पर लव जेहाद पर कानून है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो, और इस पर आपने थोड़ी देर पहले अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना कि वो क्या कुछ कह रहे थे, उन्होंने उन तमाम बातों को भी यहां पर बताया कि पिछली सरकारों में क्या था और अब यहां पर उत्तर प्रदेश, अगर हम महिला अपराधों की बात करें, उन पर कंट्रोल करने की बात करें तो उस पर नंबर वन पर। इसके अलावा कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, हरियाणा की अगर बात करें तो यहां आप देख सकते हैं कि लव जेहाद पर कहां कहां कानून है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया, लेकिन साथ ही साथ हम आपको यहां पर ये बता रखे हैं कि आज किस तरह से लव जेहाद का जो ये बिल है वो पहले पेश किया जाता है और फिर उसके बाद वो पास हो जाता है। लेकिन उससे पहले जो कड़ी टिप्पणियां हैं विधानसभा में उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई, योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई, लेकिन आइए आपको बताते हैं कि है क्या ये कानून। योगी राज में नो लव जेहाद क्यों कहा जा रहा है? यूपी विधानसभा में लव जेहाद बिल आज पास हो गया। लव जेहाद मामले में उम्र कैद तक का प्रावधान है। लव जेहाद के मामले में उम्र कैद तक की मतलब सजा मिलेगी। अगर धर्म छिपाकर शादी की तो उस पर उम्र कैद की सजा होगी। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए बिल पास किया गया। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग पर भी सख्त सजा दी जाएगी। तो ये वो कानून है जिसे और सख्त बनाने की यहां पर अब जो पूरी तैयारी है वो दिखाई दे रही है। लेकिन सीधे हम बात करते हैं कि इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं दरअसल निकल कर आ रही है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है। सीधे मैं रुक करूंगी राघवेंद्र का। राघवेंद्र, बिल पास हो चुका है लव जेहाद का, ये कह दिया गया है कि यूपी में योगी राज में नो लव जेहाद, प्रतिक्रियाएं किस तरह की है, लोगों तक ये बात पहुंची है, वो किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश जो विधानसभा से निकल कर आई है। कल धर्मांतरण को लेकर जो विशेष जो ये विधेयक है यानी संशोधित विधेयक 2024 पर रखा गया था विधानसभा में, आज उस पर चर्चा हुई और ज़्यादा देर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि इरादा कन्फर्म था सरकार का कि हमें करना क्या है, हमें किसी भी विपक्ष के किसी भी प्रस्ताव को, किसी भी उनके संशोधन को लेना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही मौका दे रखा था कि जो आपकी बातें हैं पहले आप दे दीजिए, जब यह प्रस्ताव तैयार हो रहा था, लेकिन तब कोई बात आई नहीं, इसीलिए उनके जो सदन में खड़े होकर जो विपक्ष के कुछ नेता बोल भी रहे थे तो उस पर ज्यादा गंभीरता सरकार ने नहीं दिखाई, लिहाजा इस कानून को पास कर दिया गया है विधानसभा से। यह एक सख्त संशोधित विधेयक है जिसमें अगर धर्मांतरण होता है, लव जिहाद होता है, बिना बताए धर्म जाति बिना बताए या नाम बताए या चेहरे या पहचान छुपा करके यानी कि गंदी नीयत से कोई किसी से शादी करता है, दोस्ती करता है, धर्मांतरण करता है, इस तरह चीजें अगर आती हैं तो कहीं ना कहीं यह जो कानून है उस कानून के तहत उसके ऊपर सख्ती हो सकती है और इस तरह से सख्ती हो सकती है कि पूरी उसकी जिंदगी खराब हो सकती है, उम्र कैद की सजा उसको मिल सकती है, मिनिमम जुर्माना भी 50,000 रुपए रखा गया है। तो इस तरह के जो कड़े प्रावधान इसमें बनाए गए हैं संशोधन के दौरान, संशोधित विधेयक है ये, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार को इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन रोकने में एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। खड़े हैं राघवेंद्र, आपके आसपास जो लोग खड़े हैं क्या ये समझ रहे हैं इसे? ये यहाँ हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले भी खड़े हैं, पीछे चैट खा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग और भी नजर आ रहे हैं वहाँ पर, क्या वो समझते हैं इस कानून को? संक्षिप्त में बताइएगा, फिर मैं आगे रुक करूंगा। देखिए, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं अभी वो लोग अभी बोलेंगे नहीं, और बोलने वाले लोगों के पास मैं चलूंगा, चूंकि ये डेली मर्रा के काम करने वाले एक नॉर्मल से लोग हैं, यहाँ पर मिस्त्री टाइप के लोग हैं, चूंकि मैं जिस लेन में हूँ यहाँ पर इस तरह के काम होते हैं। लेकिन जो मामला विधानसभा से निकल के आया, क्योंकि मैंने कई मंत्रियों से बात की विधानसभा में, कई लोगों से बात की, मैंने दयाशंकर सिंह से बात की, मैंने अनिल राजभर से बात की जो दोनों उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, विधायक थे स्वामी प्रवक्तानंद, खुद एक स्वामी थे और वो भाजपा के विधायक। जब आपने राजनीतिज्ञों की बात यहां पर कर ही दी है, उनका नाम ले ही दिया है, मैं लौटूंगी राघवेंद्र आपके पास, मैं ये भी दिखा देती हूँ कि किस तरह की दरअसल इस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन विधानसभा में जब बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो किस तरह से उन्होंने ना केवल इस महिला अपराध पर बोला, इस कानून पर बोला, साथ ही साथ
समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया और कहा कि भैया जब जब ये अपराध आता है और इसमें नाम सामने आता है तो समाजवादी लोग ही इसमें सामने आते हैं, समाजवादियों का ही नाम सामने आता है। किस तरह से इस कानून पर जब सियासत की जा रही थी तो योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया, अपने चाचा को गच्चा ही दे दिया। ये योगी आदित्यनाथ ने माता प्रसाद के दरअसल नेता प्रतिपक्ष बनाने पर ये जो एक तंज है दरअसल वो कसा। मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर भी साधा निशाना, आज अपराधी के मन में भय है, जबकि पूर्व की सरकारों में स्पेशली अगर बात यहां पर की जाए समाजवादी पार्टी की सरकार के टाइम पर तो अपराधियों के मन में किसी तरह का कोई भय नहीं होता था, महिला अपराध में सपा के लोग ही पाए जाते थे। सीधा सीधा निशाना यहां पर कि सपा के लोग अपराध में लिप्त पाए जाते थे। नाम देखिए तो पता चलता था कि किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस पार्टी से इनका संबंध है, समाजवादी पार्टी से। एंटी रोमियो स्क्वाड का सपा ने विरोध किया था ये भी कहते हुए नजर आए। जैसे ही सरकार बनती है और इन तमाम चीजों को अगर लेकर आते हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध को कंट्रोल करने के लिए, तो उस पर समाजवादी पार्टी ही थी सबसे पहले जो सवाल उठा रही थी। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो भी सुनिए। 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी, लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। तो साफ तौर पर यह चेता दिया है, बता दिया है, उन लोगों को भी मैसेज यहां पर दे दिया और साथ ही साथ वो कानून का शिकंजा भी वो भी कसते हुए यहां पर नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो यूपी में लव जिहाद अगर किया तो फिर खैर नहीं, पहले सजा और अब की सजा में हम यहां पर आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि पहले क्या था और अब इस कानून को जब और मजबूत कर दिया गया है, मतलब डबल आप कहिए कि इसको सख्त कर दिया गया है। पहले कितनी सजा होती थी, 2 से 10 साल की जेल होती थी और 25,000 रुपया आपको जुर्माना देना होता था, लेकिन अब उम्र कैद की सजा, मतलब ताउम्र आपको जेल में ही सलाखों के पीछे ही सड़ना होगा, और 1,00,000 का जुर्माना, मतलब जुर्माना भी इसमें बढ़ा दिया गया है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर कि किस तरह से इसे और सख्त कर दिया गया है ताकि इस तरह के अपराध जो हैं महिलाओं के खिलाफ उस पर कंट्रोल किया जा सके। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को फंसाने वालों की अब खैर नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खेल को फेल करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून पास हो गया है, यानी मुख्यमंत्री योगी का संदेश साफ है कि अगर यूपी में हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश हुई तो आरोपी अपनी इस गलती के लिए पूरा जीवन पछताएगा। मुख्यमंत्री योगी के नए कानून में सिर्फ लव जिहाद पर ही सख्ती नहीं की गई है बल्कि अवैध धर्मांतरण के नियमों को भी इसमें जोड़ा गया है। नए कानून के तहत अगर किसी ने जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराया तो इसके लिए 15,000 रुपए जुर्माने के साथ साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था। अगर दलित लड़की के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। योगी सरकार के नए कानून पर मोहर लगने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दल समेत मुस्लिम धर्मगुरु इस कानून पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कानून मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया गया है, जबकि इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। ऐसे में सवाल ये है कि योगी के नए कानून से
विपक्ष क्यों परेशान हो उठा है, आखिर क्यों मुस्लिम धर्मगुरु इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।